सर पहला था कंप्यूटर हार्डवेयर इंट्रोडक्शन। सर इससे पहले सर थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में मतलब कर देते हैं इंट्रोडक्शन तो मान लिया। हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर। रिवीजन क्लास हो रही है, आप लोग केयरफुली लिसन कीजिएगा। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, विच हार्डवेयर आर दो कंपोनेंट, या हार्डवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल मतलब इसे मदरबोर्ड, फिजिकल कंपोनेंट का मतलब सिंपल सी बात होती है जो जिस जो स्पेस लेता हो, जिसके पास साइज हो, जिसके पास सम वेट हो, मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका हो, चाहे वेट हो, वॉल्यूम हो, साइज एक्वायर करता हो। जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आप कुछ भी सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, क्या वो फिजिकल स्पेस ले रहा है। फिजिकल लॉजिकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं लॉजिकल स्पेस लेता है वो, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल स्पेस। जो मेमोरी में लेता है एज ए फाइल वो रहता है, वो क्या लेता है, लॉजिकल स्पेस, ना कि फिजिकल स्पेस। फिजिकल हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर ये कॉम्बिनेशन ऑफ, हार्डवेयर ये कलेक्शन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, जैसे मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, एसएमपीएस, ग्राफिक कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। समझ गए। दूसरा चीज बताओ क्या है, अच्छा इनपुट डिवाइसेज क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइसेज। कौन बोला रैम को टच करते हैं, रैम इज ए फिजिकल डिवाइस, रैम इज ए हार्डवेयर डिवाइस, वो मशीन के अंदर होता है। टच हम सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते, हार्डवेयर तो सब कुछ टच कर सकते हैं, व्हाट एवर द कंपोनेंट्स वी कैन टच इट। सॉफ्टवेयर हम लोग टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर तो हम सब कुछ टच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस हम किसे बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेज हम उसे बोलेंगे जिसके थ्रू हम डेटा, इंफॉर्मेशन, ग्राफिक्स, इमेज, एनी टाइप्स ऑफ डेटा, एनी टाइप्स ऑफ इमेज, जिसको हम अपने सिस्टम में इनपुट करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब क्या है इनपुट। पेन ड्राइव को इनपुट है। पेन ड्राइव सुनो, पेन ड्राइव वर्क्स लाइक टू टाइप। आप सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज में हम कुछ डालते हैं, परमानेंटली स्टोरेज कहलाता है सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क में सारा डेटा रखा जाता है, लेकिन उसको हम लोग क्या इनपुट डिवाइस बोलते हैं। डेटा तो हार्ड डिस्क में रखा जाता है, सब कुछ हार्ड डिस्क से इधर उधर कहीं कुछ भी एक डेटा नहीं होता, लेकिन हार्ड डिस्क क्या इनपुट डिवाइस कहलाएगा, वो कहलाएगा परमानेंट डिवाइस, परमानेंट मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये कहलाएगा। तो पेन ड्राइव भी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है। आज 16 GB, 32 GB, 64 GB तक का पेन ड्राइव मार्केट में है। कितना तक है, 1 TB, 1 TB, टेराबाइट तक का है। जीबी की मैं बात कर रहा था, डेटा अप टू टीबी स्टोर होने लगा पेन ड्राइव के अंदर। तो क्या हुआ, पेन ड्राइव क्या, उसको वहां से इनपुट डिवाइस बोलना सही नहीं रहेगा, ज्यादा सही क्या रहेगा, आर्चिवल स्टोरेज। आर्चिवल मतलब छोटे छोटे स्टोरेज, आर्चिवल स्टोरेज इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट है क्या। तो इनपुट समझ गए, आउटपुट क्या हुआ, आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर। आउटपुट डिवाइसेज या दो डिवाइसेज विच इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, विच इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट, प्रिंटिंग द आउटपुट। जैसे आपका प्रिंटर, जो भी आपका सॉफ्ट कॉपी है उसको क्या करता है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके
पेज में निकाल देता है। मॉनिटर जो आप इनपुट कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन हुआ उसका आउटपुट आपको दिख रहा है, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, और जो आप लोग गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, साउंड अंदर बाहर आ रहा है, हो गया। अब एक क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में, पेरिफेरल डिवाइस क्या है? यस 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 राइट राइट यस सही है। और कोई बताएगा सर, जिससे वो किसी एक्स्ट्रा डिवाइस को अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर से, जैसे कि साइड में जितने भी वो प्लग होते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहाँ है जो आउटपुट दे सकते हैं हमें, जैसे उसमें पिन लगा के ईयरफोन लगा के बंद करने से वो तो कंप्यूटर का कोई असर नहीं पड़ रहा, वो डिवाइस अगर कनेक्टेड है उसको साइड में कर देते हैं तो कंप्यूटर चल सकता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेज हम उसे बोलेंगे एज पर रिक्वायरमेंट वी कैन अटैच और डी अटैच, वी कैन एड और नॉट एड। जैसे जिसके बिना भी, एक सिंपल सी परिभाषा, जिसके बिना भी सिस्टम रन कर सकता है। जैसे माउस हम हटा लिए, क्या सिस्टम रन करेगा कि नहीं? कीबोर्ड हटा लिए, रन करेगा कि नहीं? लेकिन अगर सीपीयू निकाल लें, रैम निकाल लें, मदरबोर्ड निकाल दें, तो कोर कंपोनेंट अगर आप कंप्यूटर सिस्टम का हटा दीजिए तो ऑल आर पेरिफेरल डिवाइस। अगर रैम हटा दीजिए, सीपीयू हटा दीजिए, मदरबोर्ड हटा दीजिए, तो हार्ड डिस्क पेरिफेरल डिवाइस है कि नहीं? हार्ड डिस्क आप निकाल के बाहर भी लगा लोगे तो चल आपका मशीन चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं? लेकिन रैम निकाल लोगे तो चलेगा? अगर आप पेन ड्राइव से कुछ कॉपी करना है, पेन ड्राइव से कुछ देखना है, तो हार्ड डिस्क नहीं भी हो तो रैम में जाकर एग्जीक्यूट कर जाएगा, दिख जाएगा प्राइमरी मेमोरी। लेकिन अगर हार्ड डिस्क रैम हट गया तो आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा, एप्लीकेशन विल नॉट एग्जीक्यूट, एप्लीकेशन विल स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। एप्लीकेशन हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा बट एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है? रैम में होता है। सो एप्लीकेशन विल नॉट एग्जीक्यूट, समझ गए? और इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, पेरिफेरल हो गया, आगे बोलो। मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज नहीं क्या? हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर, बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि 16 से आप लोग का पेपर है, मालूम है ना ये चीजें? तो सारे बच्चों को कैंपस में आकर एग्जाम देना है, ऑफलाइन एग्जाम मोड नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम मोड नहीं है, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम मोड नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम मोड है। सो एवरी स्टूडेंट हैज टू कम टू द कैंपस। अब यहाँ सेंटर होगा या पाटलिपुत्र होगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा। सुनो, अब क्या है, मेमोरी, अब आपसे पूछना है। प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, क्या प्राइमरी मेमोरी पे आ रहे हैं? मेमोरी क्या है, व्हाट डू मीन बाय मेमोरी? स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो, तो पार्ट है मेमोरी का। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज समथिंग व्हिच सेव्स और करेंट वर्क। मेमोरी यूज्ड फॉर सेव द डेटा एज वेल एज टू एग्जीक्यूट द डेटा। सेव करने के लिए भी काम आता है और एग्जीक्यूट मतलब रन कराने के लिए, आपके एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी काम मेमोरी ही आता है। आप लोग सुनते पढ़ते होंगे कभी कभी कि ये कंप्यूटर सिस्टम है 16 बिट मेमोरी है, कभी सुनते होंगे 32 बिट मेमोरी सिस्टम है, 64 बिट मेमोरी सिस्टम है, ये होता क्या है? नहीं, 16 बीट मेमोरी का मतलब हुआ कि 16 बीट वर्ड, डब्ल्यू वर्ड, 16 बीट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम, एक ही समय में 16 बीट वर्ड का प्रोसेसिंग हो जाएगी। 32 बीट मतलब 32 बीट वर्ड प्रोसेसिंग एट ए टाइम, 64 बीट वर्ड का मतलब 64 बीट विल प्रोसेस एट ए टाइम। तो कौन सा फास्ट होगा? आप एक मिनट ला रहे हैं, नहीं ला रहे, अब कर रहे हूँ, ला रहा हूँ।
जीडी के टाइप जो भी है सब 21 सेंटीमीटर से ढूंढता है क्या चीज़ है जीडी का जो टॉपिक है हमारा बोलता है अरे जो हम लिखे हुए थे वही लिखा हुआ जो भी वही बोल रहा था हम लिखे हुए थे बोल रहा था तू साइड से बैग लेके बोल रहा सिक्सटीन बीट वर्ड का मतलब ये होता है सूख जाता है घर खोलने से देखो नहीं 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 देखो एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह तेरह चौदह ले तो भरवा के दोनों में चल भर ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर स्टार्ट मत किया था मैंने क्वेश्चन तो अखुन इंक सूख जाता है क्या है पता नहीं मार्केट कब खत्म होता है इसका मतलब सर पढ़ाइए ना सर तो लैपटॉप पर और इधर कर दीजिए मॉडल दिखता नहीं है सर ठीक है यार पहला क्लास हुआ होगा इनका शिल्पा में ना सेकंड शिल्पा में थर्ड हमारा लैब हो रहा है कि नहीं लैब में क्या करते हो टाइपिंग ठीक है टाइपिंग एमएस वर्ड का सारा फीचर्स पता हो गया है कैसे बुलेट करते हैं कैसे नंबरिंग करते हैं नहीं नहीं मजे सब बोलो करवा टाइपिंग नहीं है टाइपिंग ठीक अच्छी बात है लेकिन बुलेट लगाना नंबरिंग लगाना पैराग्राफ सेट करना एडिट करना ऑर्डर लिस्ट बनाना अनऑर्डर लिस्ट बनाना बोलोगे सर को कि सर प्लीज ये हमें टाइपिंग काम आता है लेकिन कमांड्स में जरूरी है दोनों रूल बनना पड़ेगा क्या भाई बैठो अब देखो 16 बिट प्रोसेस एट ए टाइम 16 बिट सिस्टम है ये तो इसमें लिखिए आप ए डबल ए पी पी एल ई एम ए एन जी ओ ध्यान देना एप्पल मैंगो ग्रेप्स जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स तो जो ये इतना मीनिंग है 16 बिट जो वर्ड प्रोसेस करेगा सीपीयू एक बार में कर देगा 16 बिट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम 16 बिट वर्ड है ना तो 16 बिट वर्ड 16 बिट मशीन पे 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे 16 बिट वर्ड
एक बार में प्रोसेस हो जाएगा वन से टाइम। सर स्पेस नहीं रहेगा, स्पेस दोगे फिर वो एक बीट लेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ स्पेस देते हो फिर भी वो बीट स्पेस ही ऑल्सो टेक्स ए बीट, स्पेस जाएगा कहाँ? स्पेस जब आप डेसिमल डालते कुछ भी डालते तो वो स्पेस लेता है जाकर मेमोरी में। कोई भी चाहे स्पेस ही डाल दो, टैब की डाल दो, बैक स्पेस डाल दो, फॉरवर्ड स्पेस डाल दो, इंटर की दबा दो, एरो की दबा दो, लेफ्ट एरो दबा दो, सबको स्पेस चाहिए, हवा में कोई चीज नहीं चलेगा। तो 16 बीट वर्ड प्रोसेस का मतलब 16 बीट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम, ये हुआ 16 बीट। और 32 बीट में क्या हो जाएगा? इसका जस्ट डबल। 64 बीट में, 128 बीट में इसका 8 टाइम्स हो गया। तो सोचिए इससे कितना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ये बड़ा सा बड़ा एप्लीकेशन को आप कहते हो कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक मिनट में कर ले, एक सेकंड में कर लेता है, 16 बीट 128 बीट में अंतर आ जाएगा। 128 बीट बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को जल्दी करेगा, 16 बीट थोड़ा बहुत टाइम लेगा। मतलब सर अगर 16 बीट वाले में अगर कोई ऐप इंस्टॉल करेंगे तो 182/128 होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एक चौड़ी सड़क, एक सकड़ी सड़क, एक लंबी सड़क, अंतर है कि नहीं है? सिंपल सी ही बात है कि 128 बीट मतलब 128 बीट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम, 128 वर्ड एक झटके में होना शुरू हो जाएगा। इसमें 16 होगा तो अंतर नहीं है, यही अंतर है। 16 बीट मशीन इसलिए लोग आज कर लेते हैं। आप कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन अच्छा से अच्छा हो, जनरेशन अच्छा से अच्छा हो, यही चीज होता है। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ मेमोरी पे थे। तो मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स। हम सोचे कि आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा भी दें कि जैसे क्रिएट इज रिलेटेड टू इंस्टांस स्कीमा, अल्टर इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। जैसे सब्जेक्टिव में दूंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप? डालेंगे अभी, डाल देंगे। क्लास रेगुलर आप लगता है पहली बार आए हैं? ऑनलाइन नहीं, तो देखो टेक्निकल चीजें थोड़ा सा सामने रहने पे ज्यादा क्लियर होता है। देखो साफ सी बात है, हम करेंगे तुम्हारा भी क्लियर। जैसे क्वेश्चन हम देने का कोशिश करेंगे, डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है? एग्जाम में लिखना है, इस इंस्टांस और स्कीमा में क्या डिफरेंस है ये पूछूंगा। रिक्वेस्ट की बात नहीं, इसको मैंने क्लास में बताया है, ठीक है? नोट्स ठीक है, कर देंगे। तुम लोग का भी गलती नहीं है, क्या बोले तुम लोग, ठीक है ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा पढ़ लेना, ये सब डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, डीडीएल का फुल फॉर्म पूछेंगे, नहीं बताओगे? इंस्टांस स्कीमा क्या काम करता है, इंस्टांस क्या करता है, एक लाइन का क्वेश्चन। और सुनो अब क्या है मेमोरी? मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? लिखना जो लिख सकते हो अभी, जो बच्चे छूट गए हैं। मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या है ये सुन लो। प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरेज मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी महंगा होता है सेकेंडरी मेमोरी से।
सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन, प्राइमरी मेमोरी जो एग्जीक्यूट करता है काफी फास्ट करता है, काफी तेज काम करता है, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। इतना अब क्वेश्चन आ सकते हैं, लिखवाते हैं, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, कल परसों बनाना भी बनाया नहीं। हाँ उसके बाद सर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। हाँ सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कमांड्स, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अकॉम्प्लिश द पार्टिकुलर टास्क, अकॉम्प्लिश द पार्टिकुलर टास्क, आप अपने हिसाब से लिखिएगा अकॉम्प्लिश द पार्टिकुलर टास्क, मतलब कोई टास्क को अचीव करने के लिए सॉफ्टवेयर का काम होता है। जैसे व्हाट्सएप क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका क्या काम है, क्या उस पर हम कोडिंग कर लेंगे जावा की, नहीं ना करेंगे, या जावा का कोडिंग है उस पर व्हाट्सएप चला लेंगे, फेसबुक पे व्हाट्सएप नहीं चलेगा, व्हाट्सएप पे फेसबुक भी नहीं चलेगा, जीमेल पे यूट्यूब नहीं चलेगा, यूट्यूब पे जीमेल नहीं चलेगा। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सबका स्पेसिफिक टास्क होता है, तो सॉफ्टवेयर में लिख सकते हो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अकॉम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क, दूसरा बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कमांड, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कमांड, जैसे कल डेटाबेस पढ़ा रहे थे तो क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, तो क्या डेटाबेस भी एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कमांड्स टू डू सम ऑपरेशन। और बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई बताएगा व्हाट इज डिफरेंस क्या क्या है दोनों? यस सर, सिस्टम और कोई बच्चा बताएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो सॉफ्टवेयर विच सिस्टम यूजेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दो सॉफ्टवेयर विच वी यूज फॉर आवर सर। सही आंसर, ये भी बच्चा सही दिया। और बताएगा कोई बच्चा, आप लोग बताइएगा मशीन मतलब कंप्यूटर सिस्टम। अब सुन लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर दोज सॉफ्टवेयर विच डायरेक्टली डील्स विथ द मशीन एंड विच डायरेक्टली डील्स विथ द हार्डवेयर, विथ द हार्डवेयर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, लोडर, लिंकर। और अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइज ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइज ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल पाएगा किसी भी कीमत पे। जब ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके सिस्टम में नहीं होगा तो कौन रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ऑन ही नहीं होगा, ऑन हो जाएगा बट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स था तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, हार्डवेयर ही सिस्टम को रन करता था, सेकेंड जनरेशन आते आते ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत आया, थर्ड में आ गया था तो बायोस में रुक जाएगा, तुम सही बोले। तो क्या हुआ, तो आप इंडिपेंडेंट कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इंडिपेंडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ गए? अब आगे बताओ, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, सीपीयू मदरबोर्ड रैम मॉनिटर कीबोर्ड माउस, और जितना तुम्हें याद है कौन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सीपीयू मदरबोर्ड सर, कोर कंपोनेंट प्रोसेसर रैम एसएमपीएस,
इसके बिना सिस्टम को चलने दिक्कत होती है। और इंटरनेट, इंटरनेट का डेवलपमेंट कब हुआ था, इंटरनेट का डेवलपमेंट किसके लिए हुआ था, इंटरनेट वाज डेवलप्ड फॉर यूएसए आर्मी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर्मी के लिए हुआ था इंटरनेट का डेवलपमेंट, इंटरनेट वाज डेवलप्ड फॉर यूएसए आर्मी, ये 1980s के आसपास हुआ। एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता, लेकिन 1980s के आसपास हुआ था। इंडियन अमेरिकन आर्मी ने बनाया था कि हम नेटवर्क अपना इंफॉर्मेशन शेयर करें, अपना मैसेज शेयर करें, अपना डेटा शेयर करें, लेकिन बाद में जब उसका उपयोगिता काफी ज्यादा बढ़ गया तो अब तो इंटरनेट कितना उपयोगी है तुमको ही पता है। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स बोल सकते हैं, इंटरनेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, चाहे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन है, बैन है, मैन है, वाईफाई है, रेडियो लिंक है, सबका कलेक्शन है। अब क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो शहरों में लगता है, बड़े बड़े शहरों में मैन लगता है, एक विदिन ए बिल्डिंग आपके कॉलेज के अंदर लैन लगा होगा। बैन वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े बड़े शहर दो दो तीन शहर के बीच जोड़ रहा है, वो बैन है। टोपोलॉजी क्या है, मेट्रोपॉलिटन जैसे बॉम्बे से दिल्ली, बॉम्बे में भी मैन है, दिल्ली में भी मैन सिस्टम है, लेकिन बॉम्बे से दिल्ली के बीच जब नेटवर्क ट्रांसफर होगा तो वहां तो चाहिए बैन, मतलब एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करने बैन ही है, और क्या वाइड एरिया नेटवर्क है, शहर से तो बाहर हो गया है उसमें सर, तो यानी वैन दो दो जगहों के मैन को जोड़ता होगा। लाइन क्या कर, जैसे आप इस सिस्टम को देखो, एक सिंपल सी बात है समझो, यहाँ से डेटा इस तार से जा रहा है, ये इथरनेट है, इसको बोलते हैं इथरनेट, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, आपकी बिल्डिंग में है इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ से बाहर निकले तो केबल कुछ बिछा होगा तब तो डेटा ये यहाँ से अभी मेल करेंगे दिल्ली चला जाएगा, बॉम्बे चला जाएगा, यूएसए चला जाएगा, तो क्या सब जगह तार बिछा है, कहीं वाईफाई है, कहीं रेडियो लिंक है, क्योंकि डेटा आप समझो पानी का पाइप, पानी कैसे हवा में थोड़ी आ जाता है, पानी का पाइप बिछा होता है कहीं से कहीं जाने के लिए, उसी तरह इंटरनेट का वायरिंग सिस्टम बिछा हुआ है, चाहे वो केबलिंग के रूप में हो, चाहे वेव के रूप में हो, चाहे रेडियो लिंक के रूप में हो, चाहे इंटरनेट के रूप में हो, थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ऑप्टिकल फाइबर भी एक माध्यम है, जिसे इथरनेट ये माध्यम है, उसका ऑप्टिकल फाइबर भी एक माध्यम है, मतलब वो क्या है वायरिंग का, जो इथरनेट लगाते उस तरह ऑप्टिकल फाइबर है, रेडियो लिंक है, कोएक्सियल केबल है, सब क्या है आपके नेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, जस्ट वर्क एज ए पाइप ऑफ वाटर, जस्ट वर्क एज ए पाइप ऑफ वाटर, आप समझ गए। तो इंटरनेट का बहुत बड़ा जाल है पूरी दुनिया में, यहाँ से जो मैसेज आता है यूएसए यू के समुद्र पार करके जा रहा है, कितना केबलिंग होगा, ऐसे थोड़ी चला जाएगा, केबल सिस्टम है, जो भी वो बहुत हाईफाई केबल होता है, वो कभी कभी सुने होगा कि समुद्र में तार कट गया इंटरनेट का, कोई जहाज से कट गया, हो जाता है गलती, तो फिर उसको जोड़ने में समय लगता है, इंटरनेट स्लो हो जाती है। भाई वेव का लिमिटेशन है, वेव है जो सोन लिमिटेशन, आज आप सोच लो, आज आप मोबाइल फोन कितना भी टावर लग गया, लेकिन कभी सुने होंगे कि कभी कभी पूरी आवाज नहीं आ रही है मोबाइल फोन पे, लेकिन लैंडलाइन फोन पे पूरी आवाज आती है, आती है कि नहीं, क्योंकि सबसे स्टेबल ट्रांसफर होता है और सब कुछ डेटा स्टेबल नहीं रहता, स्टेबल है, बीच में स्टेबल है, इसमें क्या है कहीं सिग्नल जाके टूट रहा है, फिर सिग्नल जुड़ रहा है, फिर कहीं टूट रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अब बताओ आगे, इंट्रानेट क्या है, बताओ जल्दी, इंट्रानेट विदिन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, विदिन द सेम ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ट्रांसफर करने का काम करते हैं डेटा, जैसे स्टेट बैंक का एम्प्लॉय है, स्टेट बैंक के एम्प्लॉय को भेज रहा है, लोकेशन डज नॉट मैटर,
तो वो इंट्रानेट का यूज करेगा, वो क्या करेगा इंट्रानेट का यूज करेगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या इंट्रानेट का यूज करके हम आउट ऑफ नेटवर्क मेल भेज सकते हैं कि नहीं? भेज सकते हैं, ये जानना है। इलीगल भी नहीं है, लीगल ही है, लेकिन भेज सकते हैं। लेकिन वो उस इंट्रानेट भी विदाउट इंटरनेट तो चल नहीं रहा है। एक्सटर्न विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्टेट बैंक अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आउट द वर्ल्ड उसी मेल आईडी से सेम डोमेन से जाएगा। पीएनबी अपना करेगा। इन्फोसिस के मान लीजिए पूरी दुनिया में 20 ब्रांच है, 25 ब्रांच है, डेवलपमेंट सेक्टर है, तो सारे लोग को उसी अपना बना रखा होगा। जैसे chiku@infosys.in, miku@infosys.in, तो विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन में ये इंटरनेट चलता है। एक्सट्रानेट क्या होता है? तो मतलब टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन डेटा, तो हमें किसकी जरूरत आती है? एक्सट्रानेट की। सर एक क्वेश्चन है, वो जैसे किसी का अकाउंट मान लीजिए SBI में है और वो सेंट्रल बैंक के एटीएम से जब अमाउंट निकालता है, विड्रॉ करता है, तो वो जो मैसेज SBI की तरफ से आता है, तो पहले वो सेंट्रल बैंक SBI को भेजते होगा एक्सट्रानेट? वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम का कंसेप्ट है, उसमें जाएंगे तब क्लियर होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। हाँ और बताओ। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, तुम लोग फटाफट बताओ तो एप्लीकेशन क्या क्या है इंटरनेट का? एजुकेशन, गेमिंग, इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया और हॉस्पिटल और ऑनलाइन ट्रेनिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, रेलवे, बुकिंग। इसमें तो मास्टर हो गए तुम लोग, आगे बोलो। और बताओ। बिजनेस टू बिजनेस, B2B, B2C, ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस। व्हेन सम ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग बिजनेस विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टाटा कंपनी है, मान लेते हैं टाटा कंपनी कार कंपनी है, टाटा कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, मतलब एक कार का डिजाइन कर रही है, कार को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो क्या सारा कंपोनेंट क्या टाटा खुद बना रही है? हो सकता है उसके कुछ कंपोनेंट खुद बना रही हो, बाकी कंपोनेंट वो दूसरे कंपनी से एक्सपोर्ट कर रही है। कि मान लीजिए कोई टायर बनाना है, व्हील बनाना है, इतना व्हील तुम बना के दो, सीट्स दो, बेल्ट्स दो, होता है ना वहां, क्वालिटी हमारा ऐसा चाहिए, हमको क्वालिटी हमें ऐसा चाहिए, तो आपको बिजनेस टू बिजनेस हो गया। बिजनेस टू कस्टमर, हम जब गए कार परचेज करने, क्या है बिजनेस टू कस्टमर है कि नहीं? और कंज्यूमर टू कंज्यूमर का सबसे बड़ा एग्जांपल है OLX। और अब डेटाबेस आ गया। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस को आप कैसे मैनेज करके रखेंगे? डेटाबेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डेटाबेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सारे डेटा को हम कैसे रिलेशनल फॉर्मेट में रखें, कैसे हायरार्किकल फॉर्मेट में रखें। जैसे मैंने बताया था कि स्टूडेंट टेबल है, उसकी आईडी, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, तो क्या हो गया स्टूडेंट का, वो डेटाबेस तैयार हो गया। उसमें हम लोग यूज करते हैं DDL, DML, DCL, TQL। DDL क्या होता है? डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, जो स्ट्रक्चर के साथ काम करता हो। स्ट्रक्चर का मतलब जो स्कीमा के साथ काम करता हो डेटाबेस के, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, जो स्ट्रक्चर के साथ जो वर्क करता हो। DML जो डेटा के साथ काम करता हो, इंस्टांस मतलब डेटा के साथ काम करता हो, वो क्या हो गया? DML हो गया। डिलीट भी तो करता है इसके साथ, डेटा के साथ ही काम करता है।
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ग्रांट और रिवोक। ग्रांट रिवोक क्या होता है कि टेबल हम बनाने का परमिशन दिए तो किसको कितना परमिशन हम दे रहे हैं, किसको कितना परमिशन हम दे रहे हैं, ये टेबल क्रिएट कर सकती और कुछ नहीं, ये अपडेट कर सकती और कुछ नहीं, वो डिलीट कर सकती और कुछ नहीं, मतलब टेबल में वो डेटा इंसर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो हर चीज का अपना परमिशन, कंपनी के अंदर हर चीज का अपना परमिशन लेना पड़ता है। डेटा हम फिल करेंगे तो वो डेटा अपडेट करेगा, वो डेटा डिलीट करेगा, वो डेटा ड्रॉप करेगा। क्योंकि क्यों ऐसा करते हैं कि जब कोई गलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने में आसानी होती है कि किसकी गलती हुई है। एक ही को सब काम दे देंगे, इसको भी सब काम, उसको भी सब काम, उसको कहीं गलती होगा सब कहेगा सर आप उसको बोले, उसको बोले, उसको बोले, तो मामला रफा दफा हो जाएगा। जो गलती करेगा वो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन आप पकड़, मान लीजिए इंसर्ट में किसी ने गलती की तो पकड़ा जाएगा कि शुभम ने की गलती, अपडेट में किसी ने गलती की तो पार्टिकुलर बच्चे ने की, डिलीट में किसी ने की तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसकी क्लास लगाएगा फिर, और फिर डेटा को मैनेज किया जाएगा। ऐसे क्या होगा, सब काम सबको दे दिए तो काम बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, ये है। और डेटा क्यूरी लैंग्वेज, डेटा को निकालना, डेटा बेस से डेटा को निकालना, सेलेक्ट की वर्ड का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन आएगा इसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्कीमा, ये क्वेश्चन आएगा। लिखो लिखो ना, इंस्टेंस और स्कीमा। स्कीमा को बोलते हैं, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा, ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा। ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कीमा, इंस्टांस है। Whatever data be inserted into a table is called instance. Is called an instance. Whatever the क्या लिखा है भाई बोलो? Whatever data be inserted into the table is called an instance. ये पूछेंगे कि इंस्टांस स्कीमा क्या है, डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस क्या है, ये सब एक टेबल बनाने के लिए भी देंगे, क्रिएट ए टेबल, छोटा केवल टेबल बनाना है। सर ऐसा नंबर दीजिए कि कुछ समझ जैसे क्रिएट ए टेबल नहीं कर सकते, जैसे हमने दिया क्रिएट ए टेबल एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, करोगे अच्छा। शुभम फोटो खींचो, क्या है एक टेबल बनाने के लिए देंगे क्रिएट टेबल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका अटेंडेंस हो गया, नाउ यू कैन लॉग आउट ऑल द स्टूडेंट्स।